सब्सक्राइब कीजिए अराइव 24 न्यूज को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। Hey guys, I'm Sudhav and you are watching your favorite show Delhi Lifestyle. And जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैं मौजूद हूँ ज़ोरी स्किन क्लिनिक में जो कि बेस्ट है दिल्ली का। एंड यहाँ हम जानेंगे स्किन के बारे में। जी हाँ, गर्ल्स या फिर कोई भी हो अपनी स्किन को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं बिकॉज हम अपना अच्छा दिखना हमेशा सोचते हैं कि हम अच्छे दिखें हर जगह। तो स्किन में गर्ल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टैनिंग प्रॉब्लम होती है एंड हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उसको किस तरह हटाया जा सकता है। एंड लिप फिलर भी हम जानेंगे कि यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलते हैं ज़ोरी स्किन क्लिनिक में और जानते हैं यहाँ की डॉक्टर से कि स्किन के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है। सो गाइज, ज़ोरी स्किन क्लिनिक की डॉक्टर हमारे साथ हैं निरुपमा मैम, लेकिन हम उनका इंटरव्यू बाद में करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ जानना चाहते हैं ज़ोरी स्किन क्लिनिक के बारे में, कब से रनअप कर रहे हैं मैम? थैंक यू फॉर कमिंग सदफ। हम लोग नियरली अब 3.5 ईयर्स हो गए हैं ज़ोरी स्किन क्लिनिक को एग्जिस्ट करते हुए। एंड हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, आउट ऑफ दिल्ली भी आते हैं बहुत सारे पेशेंट्स एंड आउट ऑफ कंट्री भी आते हैं, जैसे नॉर्मली अफगानिस्तान से, मॉरिशस से, यूएसए से, बहुत सारी जगह से आते हैं, वो ट्रीटमेंट्स लेते हैं एंड और भी पेशेंट्स को फिर वो रेफर करते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं क्लाइंट्स तो हर जगह से आते हैं और ट्रीटमेंट अच्छा होता है तभी तो आते हैं। तो मैम से मैं कुछ जानना चाहूँगी कि वो कुछ बताएँ मेरे लिए। आइए सदफ, हम आपको भी चेक कर देते हैं, आपकी स्किन को भी देख लेते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सो इम्प्रूवमेंट तो होता रहता है हर चीज़ में, लेकिन मेरी स्किन में क्या होना चाहिए ये देखते हैं। सो कुछ बताएं मैम। सो अगर आप देख सकते हैं ये वाले एरिया में आपकी स्किन पे थोड़ा सा पिगमेंट है, तो हम इस पिगमेंट को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं अगर हम केमिकल पील टाइप प्रोसीजर कर लें, या फिर अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं तो सनस्क्रीन को हमें ऐड करना रहेगा आपके डेली स्किन केयर रेजिमेन में। अगर आप फिलर्स की बात करते हैं तो आपके लिप्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा हल्का सा उनको और ज़्यादा हाइड्रेट किया जा सकता है। अंडर आई एरिया में थोड़ा सा फिलर डाला जा सकता है अगर हमें नीड भी लगे तो। वैसे आपका फेस एब्सोल्युटली परफेक्ट है, हल्का सा जो पिगमेंट है वो और ज़्यादा कम करके और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है। सो जैसे कि आपने देखा, मैंने जान लिया कि मेरे फेस में क्या कमियां हैं एंड मैं श्योर बिल्कुल ज़ोरी स्किन क्लिनिक में करवाना चाहूँगी बिकॉज यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। जब जहाँ पर एनवायरमेंट अच्छा होता है वहाँ ट्रीटमेंट की बात ही अलग होती है। सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं अभी ज़ोरी स्किन क्लिनिक की डॉक्टर निरुपमा। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिल्ली लाइफस्टाइल में। थैंक यू। सो मैम आप बताएं कुछ कि स्किन को हम हमेशा कैसे परफेक्ट रख सकते हैं, बिकॉज ये बहुत मेनली क्वेश्चन है और स्किन हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। आपने एकदम सही कहा सदफ, स्किन को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है बिकॉज फेस ही एक मीडियम है जिससे कि हम अपने आप को बाहर की तरफ दर्शाते हैं। सो फेस को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम कर सकते हैं। आजकल जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, एक्ने स्कार्स या एक्ने गड्ढे हो जाते हैं उसकी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसके लिए बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स रहते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी रहता है कि हम एक अच्छा स्किन केयर रूटीन करें, जैसे कि जो क्लेंज़र होता है, टोनर होता है, मॉइस्चराइज़र होता है, सनस्क्रीन जो होता है जो कि मोस्टली बहुत सारे लोग नहीं लगाते, वो सब यूज़ करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। उनको टॉप ओवर करने के लिए और बहुत सी ट्रीटमेंट्स आती हैं, जैसे पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए केमिकल पील्स होती हैं, फोटोफेशियल होता है वो होता है, क्यूसिश लेज़र, कार्बन पील, ऐसे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि पिगमेंटेशन को बहुत हद तक कम कर देती हैं और ख़त्म भी कर देती हैं। और आजकल जैसे बहुत से यंग लोग होते हैं उनको एक्ने की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, यूजुअली अगर हम बोले 25 से जो कम की एज होती है उसमें एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उन केसेस में हम पेशेंट्स को यूजुअली क्रीम्स लगाने के लिए बोलते हैं उसको बेटर करने के लिए, अगर उससे नहीं होता तो हम केमिकल पील्स यूज़ करते हैं या फिर हम लेज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं उनको बेटर करने के लिए। सो ये जो पिल्स होती हैं ये मेडिकेटेड होती हैं या फिर कॉस्मेटिक टाइप की? सबसे बड़ा चैलेंज रहता है
कि अगर हम हो सके तो ओरल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं, जितना हो सके हम टॉपिकल ट्रीटमेंट से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ क्रीम्स होती हैं वो मेडिकेटेड होती हैं, वो जो मेडिकल ग्रेड की क्रीम्स होती हैं नॉर्मली जो हमें लाइक नॉर्मल कॉस्मेटिक शॉप्स में मिलती हैं, वो इतना बेटरमेंट नहीं कर पाती क्योंकि उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इतने नहीं होते। इसलिए हमें मेडिकल ग्रेड की क्रीम्स यूज़ करनी पड़ती है जिससे कि जो एक्ने होते हैं वो कम हो जाए, पिगमेंटेशन जो है वो कम हो जाए। तो मोस्टली मतलब गर्ल्स या हो या फिर मैन हो अपने हेयर ग्रोथ को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं, सो उसके लिए क्या आप बताना चाहती? ऑफ लेट हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यूजली लाइक वेरी यंग मेल्स जो कि अराउंड 20-25 ईयर्स के होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस उस एज ग्रुप में आजकल देखा जा रहा है। नॉर्मली उसमें हम यही करते हैं, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस वजह से हो रहा है हेयर लॉस, क्योंकि हेयर लॉस के भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि एक कारण हो गया डाइट्री, अगर न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, अगर हेयर केयर प्रॉपर नहीं है, हॉर्मोनल कॉज जो कि एज रिलेटेड कॉस्ट होता है जिसमें धीरे 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 करके जो है हमारे स्कैल्प के हेयर हैं वो जाने लग जाते हैं, अगर वो कॉज है हमें आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से उन्हें ट्रीट करना रहता है। सो नॉर्मली उसके लिए लोशंस रहते हैं, कुछ ओरल सप्लीमेंट्स रहते हैं, कहीं हम टेस्ट भी करते हैं कि देखने के लिए कि कोई हार्मोनल कॉज नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, देन उन केसेस में हम लोशंस प्रेफर करते हैं या फिर अगर ओरल टैबलेट्स की ज़रूरत रहे वो करते हैं। नहीं तो एक PRP करके एक प्रोसीजर आता है, प्लेटलेट प्लाज्मा थेरेपी, इसमें ब्लड लिया जाता है, उसे सेंट्रीफ्यूज करके जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ब्लड के, प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेट होता है, वो स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है कि एक तरह का न्यूट्रिशन मिले हमारे रूट्स को। सो लिप फिलर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल मतलब पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि लोग जैसे थे वैसे ही रहते थे, लेकिन अब अपडेट हो रहे हैं तो अपने आप को भी अलग तरीके से लेकर आ रहे हैं, एंड काफ़ी लोगों की लिप्स ऊपर के थोड़े छोटे होते हैं या फिर नीचे के, तो उसके लिए वो लिप फिलर का यूज़ करते हैं। तो ये कितना किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या इसके नेगेटिव आती हैं प्रॉब्लम्स, कुछ बताएं। सो फिलर भी एक प्रोसीजर है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल इन डिमांड और पॉपुलर हो रहा है। सो नॉर्मली जो लोग आते हैं, यूजुअली इंडियंस में ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी रहती है यूजुअली अंडर आई फिलर करने की ज़्यादा होती है, क्योंकि आँखों के नीचे जो गड्ढे हो जाते हैं उनको भरना रहता है, नहीं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सैड या टायर्ड लुक फील करता है। बट यूजुअली लिप फिलर्स भी काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि कई लोगों के लिप्स जो होते हैं बहुत ही थिन होते हैं, उन केसेस में हम उनकी वॉल्यूम एनहांस कर सकते हैं। दी अदर थिंग इज़ आजकल बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने अपने लिप फिलर्स कराए हुए हैं जिसकी वजह से एक टाइप का इंस्पिरेशन मिलता है, एंड लाइक यूजुअली कई बार तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वो अपनी वो एक पिक्चर्स लेके आती है कि हमें इस एक्टर की तरह, इस एक्ट्रेस की तरह हमें अपने लिप्स को बनाना है, इतने ऐसे एनहांस करना है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। एंड लाइक इट इज़ जस्ट लाइक 10-15 मिनट का ट्रीटमेंट रहता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहती, सो इट्स अ वेरी क्विक थिंग एंड एकदम इमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं, तो इसलिए डिज़ायरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है इन प्रोसीजर्स के बारे में। एंड दे आर प्रीटी मच सेफ, कोई ऐसे साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, एंड क्विकली हो जाता है, इट्स लाइक अ पेन फ्री प्रोसीजर, तो इट्स लाइक प्रीटी मच इन डिमांड। तो किस टाइप के इंजेक्शन इसमें यूज़ होते हैं? इसमें एक हाल्यूरोनिक एसिड, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, वो हमारे लिप्स के अंदर डाला जाता है या स्किन के अंदर भी डाला जा सकता है, यूजुअली चीक्स को एनहांस करने के लिए, जिसकी थोड़ी सैगी चीक्स होती है या इतनी चीक बोन्स इतनी एनहांस नहीं होती। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हाँ हमें मॉडल टाइप का लुक चाहिए, तो हम उसमें एनहांसमेंट कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ है उन फीचर्स को हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, जो हमें लगता है फीचर्स थोड़े इतने ज़्यादा इन्हांस नहीं है हमें उन्हें और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लाइक नोज़ की रीशेपिंग भी कर सकते हैं, अंडर आई की हॉलोनेस बेटर कर सकते हैं, इवन फोरहेड पे लगा सकते हैं, जैसे अगर कईयों की बहुत लाइंस होती हैं या हमें लगता है हॉलोनेस होती है वो असेसमेंट करके। बट आजकल मैंने ये चीज़ देखी है कि काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गए हैं लोग अपनी स्किन के बारे में केयर करने के लिए और उस पर इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये प्रोसीजर्स काफ़ी इस वजह से बहुत पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इन जनरल नॉलेज भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है इन प्रोसीजर्स के बारे में। सो अभी सलून्स में लोग जाते हैं ज़्यादातर और अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए फेशियल्स वगैरह करवाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि सलून और क्लिनिक में क्या फ़र्क है, कि यहाँ पर लोग आएँ अपनी मेडिसिन लें एंड यहाँ के ट्रीटमेंट करवाएँ या फिर सलून ज़्यादा बेटर? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन सदफ। नॉर्मली फेशियल्स
एक लिमिट तक हमारी स्किन को बेटर कर सकते हैं. लाइक उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए रहते हैं उसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए. स्पेशली अगर कोई स्किन में प्रॉब्लम होती है उसको एक्टिवली ठीक करने के लिए हमें मेडिकल ग्रेड की चीज़ें चाहिए रहती हैं कि इम्प्रूवमेंट हो. उस केस में लाइक मेडिकल बेस्ड फेशियल जिन्हें हम मेडिफेशियल बोलते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. यूजली जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स से थोड़े ज़्यादा एफिकेशियस होते हैं. एंड एज इन द मेडिकल ग्रेड जो क्रीम्स होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं. दी अदर थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पे लेज़र्स यूज़ करते हैं जो लाइट बेस्ड डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारी स्किन में उस हद तक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा बेटरमेंट हो सके. सो उस वेज में इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर कि एक मेडिफेशियल कराना ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू अ सैलॉन फेशियल. क्योंकि समर्स चल रहे हैं तो समर्स में टैनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? स्पेशली मैं ये पूछना चाहती हूँ, सबसे अच्छा होता है टैनिंग को रोकने के लिए सनस्क्रीन यूज़ करना. सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो सनस्क्रीन यूज़ करने की. बट अगर आपको टैनिंग हो गई है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिससे हम बेटर कर सकते हैं. यूजली माइक्रोडर्मोब्रेशन करके एक प्रोसीजर होता है, उसमें एक टिप होती है सक्शन टिप, उसमें कट अन कट डायमंड्स होते हैं जिससे हम ऊपर की स्किन को हटाते हैं जो टैन स्किन है. अदरवाइज केमिकल पील्स होती हैं जिससे कि हम ऊपर की स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं. नहीं तो फोटोफेशियल है जो लाइट बेस्ड डिवाइस होता है जिससे कि हम जो पिगमेंट इंड्यूस हो गया है, जो पिगमेंट एक्युमुलेशन हो गया उसको हम कम करते हैं. जैसे बहुत सारी चीज़ें जिससे कि हम टैनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं. सो ये इतने सारे क्वेश्चंस हमने मैम से किए हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें जानी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो यही है कि लिप फिलर में लोग ज़्यादा मतलब अपने लिप्स को ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं, एक्ट्रेस की तरह बनना चाहते हैं, अलग तरीके से रहना चाहते हैं. सो ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी. अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसे दिखना है, अच्छा दिखना है, तो प्लीज़ आएँ ज़ोरी स्किन क्लिनिक में. एक लास्ट मैसेज आप प्लीज़ दर्शकों को दीजिए कि वो यहाँ आएँ और आपके यहाँ पर आकर अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएँ. सो लाइक नॉर्मली सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन की केयर करने के लिए और सब अच्छा दिखने के लिए एक अच्छा स्किन केयर रूटीन. साथ ही साथ हमें ऑनगोइंग कुछ कुछ प्रोसीजर्स करने रहते हैं, लेने रहते हैं ताकि हमारी स्किन और ज़्यादा बेटर हो, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो और ज़्यादा वेल मेंटेन्ड हो. सो ज़ोली पे हम जो भी यूज़ करते हैं सारे मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अटमोस्ट सेफ्टी होती है उनकी एंड जिनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है, जिनका रिजल्ट अच्छा आता है. जो फिलर्स हैं वो भी हम हाई ग्रेड फिलर्स यूज़ करते हैं जिससे कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए, और ज़्यादा बेटर लगे एक पर्सन एंड ऑफकोर्स वो और लोगों को भी लेके आए. सो बहुत मज़ा आया यहाँ पर, काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने यहाँ पर जानी. अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एक ज़ोली अच्छे से क्लिनिक में ट्रीटमेंट मिले तो प्लीज़ यहाँ आएँ और बिल्कुल भी ना भूलें, ये अच्छा क्लिनिक है. यहाँ पे मैडम अच्छे से आपको ब्रीफ करेंगे हर एक चीज़ के बारे में. आज के लिए इतना ही, देखते रहिए ताली लाइफ स्टाइल. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RI24 न्यूज़, पहचान सच्चाई की. और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों की अपडेट्स देते रहेंगे.